अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मेरा नाम गौहर आरिफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइडिया ऑन पेपर। लास्ट वीडियो हमने टाइपोग्राफी के बारे में देखी थी, हमने उसके डिज़ाइन एंड कुछ एग्जांपल्स देखी थी उसके डिज़ाइन के हवाले से। आज हम कोशिश करेंगे कि एक सिंपल आपको डिज़ाइन बना कर दिखाएँ और कुछ ऐसा अट्रैक्टिव डिज़ाइन हो जो टाइपोग्राफी में भी फॉल करता हो और नॉर्मल भी आप यूज करें, यानी टाइपोग्राफी को यूज करते हुए हम कोशिश करेंगे कि एक डिजाइन बनाएं। वो जो डिजाइन हम बनाना चाह रहे हैं वो डिजाइन मोस्टली कॉलेजेस और दूसरे एजुकेशनल अदारे यूज करते हैं। या मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो एक, यानी हर टाइपोग्राफी का एक स्पेसिफिक रीजन बन सकता है, या मोस्टली वो टाइपोग्राफी या वो स्टाइल जो यूज किया जाता है टाइपोग्राफी का, वो उन्हीं फील्ड में यूज किया जा जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर ये टाइपोग्राफी जो आज हम डिजाइन बनाएंगे, ये एजुकेशनल अदारे वगैरह जो हैं ये ज्यादा प्रेफर करते हैं इस चीज को। उसके लिए हमारी बैकग्राउंड और बाकी चीजें किस हिसाब से होंगी, हमने एक येलो बैकग्राउंड रखा है। आप कलर और भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और कोई कलर ले सकते हो। ठीक है, तो मेरा जो थीम है या मेरा वो चीज है, मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाई थी यूके अंदर, एक आप किसी दूसरी पिक्चर को आप मर्ज कर देते हो, क्लिप इन करते हो और देन फिर उसके साथ काम करते हो, तो उसी चीज को मैं आज मद्देनजर रखते हुए एक डिजाइन बनाएंगे। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट करना है इस पूरी एक जो हमारा आर्ट बोर्ड है इसको दो पार्ट्स में। उसके लिए हम सर्कल ले लेंगे। ठीक है, और इसको बनाने का तरीकेकार ये है कि हम इसका कलर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक हो गया, अब इसका साइज हम बिल्कुल छोटा कर देंगे ताकि ये एक हिसाब से लाइन हमारा लाइन सेगमेंट बन जाए जो आपको आपके इस पार्ट को, दोनों पार्ट को डिफरेंशिएट करे। ठीक है जी, तो ये आपका सेंटर लाइन हो जाएगा। अब आपने कलर चॉइस भी इसी हिसाब से देखनी है कि आप कलर चॉइस कैसे करते हो। ठीक है, अब आपका येलो बैकग्राउंड है तो उस पर मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक ज़्यादा सूट करता है और वाइट भी काफ़ी हद तक नज़र आता है, बट येलो में जो ज़्यादा इनहांस कलर नज़र आता है वो ब्लैक होता है। हम उसको ब्लैक में भी करके देख लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो मैंने एक आइडिया हमने अपना सोचा है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हम अपना कोई भी एक लेटर ले लेते हैं। ठीक है, एक लेटर के हमने, हमारा बेसिकली थीम था कि एक लेटर के अराउंड हमने एक पिक्चर को ऐड करना है, देन उसके अराउंड अपना सारा मैसेज कन्वे करना है। तो हम कोई भी एक लेटर ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं। ठीक है, ओ का आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो कुछ जो आप चाहो। ठीक है, ये क्रीम केक देख लेते हैं के. हम इसको एज बिग एज पॉसिबल करेंगे ताकि ये हमारा अभी ये इस वक्त इसकी साइज को जितना मर्जी आप बड़ा करते जाओ, ठीक है, ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि अभी ये वेक्टर फाइल है। ठीक है, अभी ये वेक्टर है, जैसे ही आप इसे कन्वर्ट कर दोगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, देन फिर आप इसको छोटे बड़े करने से, मतलब जैसे ही आप इसको रेस्टराइज कर दोगे तो ये पिक्चर का पिक्सल डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसीलिए फिर आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो अब ये आपका एक पीस जो है, आप उसे देखें, आपका साथ ही सिलेक्शन भी उसकी और तरीके से होगी। ठीक है, अब आप इसको अपने हिसाब से साइजिंग कर लो। ठीक है, मेरे लिए मोर देन इनफ है, मैं चाहता हूँ कि ये आपका सेंटर लाइन हो इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसे दोनों को पिक करेंगे और सेंटर लाइन कर देंगे। ये आपके पास वो ऑब्जेक्ट है जिसमें आपने अपनी पिक्चर या आपने अपना वो जो भी आपने मटेरियल शो कराना चाह रहे हैं वो इसके अंदर अब आएगा। तो उसका क्या तरीकेकार है, उसके लिए हम सबसे पहले पिक्चर ड्रैग करेंगे। ये वो पिक्चर है जो मैं उस अपना इमेज में लगाना चाह रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि हम इसे एजुकेशनल पर्पस के लिए जो मोस्टली यूज करते हैं उसी हिसाब से क्रिएट करेंगे। तो ये एक ग्रेजुएशन की पिक्चर है तो हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, मैं इसे ड्रैग करके उसमें प्लेस करूंगा, लेकिन उससे पहले हम इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लें ताकि वहां जाके हमारे साइज में यहाँ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। यहाँ भी कर सकते हो, वहां से भी आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में लेके आ सकते हो। सिंपल इसको अपने साइज के हिसाब से रिसाइज कर लें।
अपने लेटर के हिसाब से, ठीक है, और आप उसी पोजीशन पे उसे सेव करोगे, ठीक है, सॉरी उसी पोजीशन पे आप उसको लेके आओगे, और देन आप जस्ट इधर से राइट क्लिक करके, सॉरी इसे पहले ओके करें, जस्ट राइट क्लिक करके क्लिप क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क करना है नीचे वाली पोहो वाली पे, तो आपका वो पोजीशन में आ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि आप अपने लेटर को या जो भी आपके पास मटेरियल है वो कहाँ तक उसे सूट करता है आपको बनाना, ठीक है। आप इसे चाहो तो और बड़ा कर सकते हो पिक्चर को, ठीक है, अब अपना एरिया पूरा कवर करना चाहो तब भी कर सकते हो, जहां तक जहां आपको सूट करे पिक्चर आप वहां उसे प्लेस कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ ये सूट करता है तो हम यहाँ उसे प्लेस कर देते हैं, लेकिन हमने यहाँ इसको ये मर्ज करना है कि ये एक ऐसा है कि थोड़ा सा गहरा गड़ा जैसे होता है, मतलब आप किसी भी पिक्चर में एक पॉइंट ऐसा है जिसमें वो अंदर को थोड़ा सा है, तो हम उसको शो कराने के लिए क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करके इसका इनर शेडो देंगे, थोड़ा सा इनर शेडो की आपने सेटिंग देख लेनी है। देखें डिस्टेंस की हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसके चौक और ओपेसिटी से खेल सकते हैं, चौक को मूव करेंगे तो आपका जो पॉइंट है वो आगे, देखें ये हमारे पास जो लाइनिंग है शेडो की वो आगे जाती जा रही है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। साइज़ हम देख लेते हैं, साइज़ इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, जस्ट हमें माइनर सा शो कराना है कि डीप हो रहा है, हम ओपेसिटी के साथ खेल सकते हैं, ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी ऑप्शन के साथ साइज को छोटा बड़ा करके ये इफेक्ट दे सकते हो। अभी देखें आपका जो लास्ट इफेक्ट था उसके अलावा, और ये अभी आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे डिप इन हो रही है वो पिक्चर, ठीक है। अब ये हमारे पास वो है, अभी अगर आपको फील हो रहा है ज्यादा तो आप सिंपल इसमें जाके इसका साइज मजीद कम कर सकते हो, ठीक है, और ओपेसिटी को भी थोड़ा कम कर सकते हो ताकि इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग ना लगे, ठीक है। ये देखिए अभी आपको ये फील दे रहा है कि ऐसे डिप इन हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास आपका वो लेटर के अंदर आपकी इमेज हो गई। अब जस्ट आपने इसके साथ अपना मैसेज कन्वे करना है, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन, हमने कुछ डाटा मैंने लिखा हुआ था ऑलरेडी, मैं उसे ही मैंने उधर उसे पेस्ट कर दिया। हम इसका फॉन्ट थोड़ा सिंपल रखेंगे क्योंकि ये अगर आप टाइपोग्राफी का एक ये रूल है कि आपने अपना मैसेज जो कन्वे करना है उसे कोशिश करना है एज सिंपल एज पॉसिबल रखा जा सके ताकि वो क्लियरली कन्वे हो सके। बाकी आप उसके लेटर्स को या आप अपने किसी भी दूसरे लेटर के साथ जिसके साथ आप वो खेलना चाह रहे हो उसे उस हिसाब से रख सकते हो, लेकिन मैसेज को कोशिश करें एज सिंपल एज पॉसिबल रखें ताकि वो ईजिली आगे वाले लोगों तक कन्वे हो सके और खूबसूरत भी लगे, ठीक है। तो हम इसे सिंपल कैलिबरी फॉन्ट में कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी पैराग्राफ सेटिंग इधर से लेफ्ट राइट करेंगे ताकि हमारा जो इमेज का इफेक्ट है उस हिसाब से हो जाए, ठीक है। सिलेक्शन को हम ख़त्म करते हैं, ये हमारे पास आपका आ गया। अब इसको हम चाहें तो इसके साथ सेंटर लाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास सेंटर लाइन हो गया, ये पैराग्राफ सेटिंग। और कुछ अगर हम यहाँ ऐड करना चाहें, इसका अगर कलर चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ डबल क्लिक करके अपना कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक करना चाह रहे हो, ठीक है। कुछ और डाटा जो हमारे पास ऑलरेडी दूसरे मैंने राइटिंग में करके रखा हुआ है वो भी इधर प्लेस कर देते हैं, वो हम यहाँ प्लेस करेंगे तो ये सिंपल आपके पास ये वाली साइड आ जाएगी। लेकिन अब हम इसको लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारी इस इमेज के इस हिसाब से वो मैनेज हो सके, ठीक है। बाज़ बुक पब्लिशर ने या बाज़ बुक डिज़ाइन में भी हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कई बुक्स में जब कोई लेटर स्टार्ट होता है, कोई लाइन या फिक्रा स्टार्ट होता है तो उसका वो एरिया बड़ा होता है, सबसे पहला वर्ड बड़ा काफ़ी बड़ा करके लिखा होता है, देन आगे फिर उस हिसाब से एक सिंपल रोटेशन में लिखा जा सकता है। तो ये एक छोटा सा फ्लेयर सा बन गया है सिंपल सा कि आप अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज या किसी भी चीज़ की पब्लिशरी करनी हो तो आप उसका लोगो वगैरह ऐड कर सकते हो, जो आप भी चाहते हो, जिस तरह भी आप उसे कन्वे करना चाहो, लेकिन ये एक मैसेज जो है आपका
पब्लिक तक पहुंच सकता है। ठीक है, इसमें आप इधर लोगो, आपके पास काफी स्पेस एरिया मौजूद है, आप लोगो वगैरह यूज कर सकते हो किसी यूनिवर्सिटीज का, कॉलेज का। तो ये एक डिजाइन है जो आपका काफी हद तक आपको एक टाइपोग्राफी इमेज या शेप भी यूज करता है। अगर आपको लग रहा है ये आपका काफी दूर है तो आप सिंपल इसे दोनों, इन दोनों को सिलेक्ट करें और सिंपल ड्रैग कर दें एरो की के साथ, आप करीब भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको ये सूट करता है उस हिसाब से आप इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिंपल डिजाइन तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजम कीजिएगा और बेल आइकन भी लाजम दबाइएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सकें और हम कुछ नया से नया सीख सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।